जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू तो टारगेट डिफेंस एकेडमी सो आज फिर से मंडे है और हम अपना फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं सो so, फ्रेश स्टार्ट के साथ पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो भी हमने संडे को वीकली क्विज़ लाई क्या आपने देखी इफ़ यस देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपने वीकली क्विज़ देखी तो क्या आपने डेली क्विज़ देखते हैं आप या डेली जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उसको फॉलो करते हैं इन केस अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट इज एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट एन ओवर नाइट प्रोसेस कि एक दिन आप किसी भी चीज़ को लेकर बैठेंगे और वो आपकी रेडी हो जाएगी इट हार्डली में एक सैन ए डिफरेंस कि अभी आप थोड़ा देर में देख पा रहे हो या किसी दिन डे वाइज मिस कर दो इसीलिए हम वीकेंड लेकर आते हैं ताकि वीकेंड में जो सीरीज लाएँ उसमें आपका कोई डे मिस हो गया हो बाई मैटर ऑफ चांस कि कोई काम ही पड़ गया हो तो आप उसको वीकली वा, वा, क्विज में कवर कर सको ओके सो इट इज़ लाइक एपिसोड वन एंड एपिसोड टू इन केस आप नहीं देख पा रहे हो तो एपिसोड्स के थ्रू आप भी कवर कर सकते हैं और अगर आपको उसको डिटेल में जाना है तो आप वहाँ पे एम सी क्यूज जो डेली आते हैं उसको देखें

हम जब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं उससे पहले जरा सा मैं मार्कर और पेन को अपने स्क्रीन पे ले आऊं है ना चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है दैट

प्रेशर ना लेके इजीली सॉल्व कर सकते हो जस्ट बी इन अ कंफर्ट लेवल ओके समर सोल्सिस ट्वेंटी फर्स्ट जून को होता है ये आपने पढ़ाया था मैम ये हमें पता है ये हमारा कवर्ड है अब पॉइंट आता है विंटर सॉस्टिज ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर को होता है एक बार के लिए आपको नहीं पता है तो अगर आप याद करो जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाई थी पूरी पिक्चराइजेशन के थ्रू ग्राफिक्स के थ्रू उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ट्वेंटी नाइन नवंबर तो कोई डे नहीं पड़ रहा था ना या तो वो कहीं ना कहीं ट्वेंटी टू दिसंबर पड़ रहा था या कहीं ना कहीं ट्वेंटी वन मार्च या ट्वेंटी वन सितंबर के आसपास पड़ता था बट ट्वेंटी नाइन नवंबर कोई डेट नहीं पड़ रही थी थर्ड इज इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स मैंने बताया था कि ट्वेंटी वन मार्च को पड़ता है और उसी तरह सितंबर में भी हमें देखने को मिलता है जो कि स्प्रिंग टाइम में होता है

आपको उस क्वेश्चन को डील करना हर तरीके से आना चाहिए ओके अब देखिए द इंडियन आर्मी इज रिप्रेजेंटेड बाय कंटीजन फ्रॉम लद्दाख स्काउट्स क्या एक्स खान क्वेस्ट में इन्होंने रिप्रेजेंट किया जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने वहां आपको क्लियर किया था कि लद्दाख स्काउट्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कौन कर रहा था गढ़वाल राइफल्स तो इसकी जगह कौन पार्टिसिपेट कर रहा था गढ़वाल राइफल्स पार्टिसिपेट कर रही है फ्रॉम इंडिया साइड है ना बताई थी बात उसी तरह से सेकंड दिया हुआ इट इज हेल्ड इन मंगोलिया हाँ ये बात सही है कि इट इज हेल्ड इन मंगोलिया अब क्वेश्चन पे आते हैं ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट करेक्ट अब पूछा 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 है फिर से देखिए नहीं पूछा, ये नहीं ये कितनी correct, पूछा कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप बताइए कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट थी ये गलत थी सिर्फ सेकंड वाली सही थी तो अगर सिर्फ सेकंड वाली सही है तो हम किस पे टिक लगाएंगे ओनली टू पे अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ फॉर योर कंफर्टेबल जोन आप इसको फिर से स्टडी करिए क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स खान क्वेश्चन

Uh, फिर से हमने डिफेंस सेक्शन का क्वेश्चन लिया है आई एन एस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आई एन एस किरपान है इट इज अ खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्बिट ऑप्शन वन ऑप्शन टू इट वॉज कमीशन इन टू नेवी ऑन जनवरी ट्वेल्व 1999 नाइन एंड द थर्ड इज इंडिया इज गिफ्टिंग आई एस कृपान टू जापान अब ये तीन क्वेश्चन मैंने फिर से बोला था आएनएस कृपान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि गिफ्ट जब हम किसी को कुछ कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर मिलिट्री को तो वो एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन है और ये भी इंडियन आर्मी की साइज पे आपको मिल जाएगा सो इट्स नथिंग दट के हम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ला रहे हैं वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट एवर और कंटेंट जितना ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट है उतना ही मिल रहा है ठीक अब जल्दी से देख लेते हैं खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्बेट था हाँ ये मैंने डिटेल में इसका भी अनालिसिस देखा है आप देखेगा आपको पता चल जाएगा उसके बाद इट वॉज कमीशन इन टू येस इट वॉज कमीशन इन टू नेवी ऑन जनवरी ट्वेल्व 1991 नाइनटी वन ये भी सही स्टेटमेंट है फिर क्या है इंडिया क्या इसको जापान को गिफ्ट कर रहा है अब यहाँ पे मैम गड़बड़ कर दिया आपने क्योंकि जापान को नहीं गिफ्ट कर रहा है कि इसको गिफ्ट कर रहा है वियतनाम को गिफ्ट कर रहा है ठीक है तो यानी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो पहले ये देखो कि इसमें वन टू थ्री करके तो दिया नहीं था तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई सीधी सी बात है ऑल थ्री तो नहीं हो सकता क्योंकि एक स्टेटमेंट गलत है इसमें क्या पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव

Google अपने पे, था इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव था और जो कि वहां पर उसका गूगल डूडल जिसको हम कहते हैं वो बनाया गया था नाउ द्वेशन जून एटीन को किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था

तो आप पहले ही क्लियर हो जाओगे कि महादेवी वर्मा की है तो वो केदारनाथ अग्रवाल की कैसे हो सकती है तो आंसर विल बी इफ आई क्लीन द स्क्रीन एंड आस्क यू द क्वेश्चन अगेन यू विल से अतीत का चलचित्र इज नॉट द कंपोजिशन है ना चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यीन इज दिसेडी फिफ्थ यूरोपियन एस सेवाइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है अभी रिसेंटली मिला है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लेडी को जब मिलता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बट नाम आपको बहुत सारे दिए गए हैं एडगर मॉरिन पीटर वॉन मैट अरुंधति रॉय या आयोसो कैमैटिन अब इसका आंसर है अरुंधति रॉय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी एक बुक है बुक का नेम आपको पता होना चाहिए द नेम ऑफ द बुक इज आजादी ठीक है आजादी बुक के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है और इसका नेम चेंज करके लाइबर्टी और इस तरह से इसकी नेमिंग की गई है यानी कि इसको चेंज किया गया है फ्रेंच वर्जन में और इंग्लिश नेम उसको दिया गया है और इनको इस चीज के लिए अवार्ड मिला है अरुणिती राय को पहले भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं तो प्लीज इनको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा अब आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने पहले भी करंट अफेयर में कवर कराया अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यू एनडीपी एंड अ पार्टनरशिप टूवर्ड्स एम्पांग विमेन एंटरप्रन विद द विच ऑफ द फोलोइंग ये मैंने बताया था कि यूएनडीपी विमेन के साथ काम कर रहा है कि इंडियन के विमेन को कैसे हम इंटरप्रिनरशिप में लेके आए ताकि वो लाइवलीहुड पा सकें बट जब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेंगे ना ये एब्रीवियशन नहीं दी रहेंगी छोटे छोटे टर्म्स में बांध दिया जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस इज डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बट दिस इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ओके तो हमारा जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नीति आयोग किसके अंडर ये है तो दिस इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑन विच डेट ओके अब इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंग वे में करना है पहले प्रीवियस ईयर में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट दो ईयर से पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी ने अपना चेंज किया है फॉर इंडिया सो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अगर इस तरह नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट वन डे आपसे कोई पूछ लेगा तो आपके तीन क्वेश्चन या एक हाई लेवल का एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है ठीक है अब इसमें पहले देखिए मार्क कैसे करना है कंफ्यूज नहीं होना है कंटेंट देख के सिर्फ ये देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दिया हुआ है तो आपको सबको पता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो होता है किस दिन होता है जून वन को होता है तो ये तो बात सही है ये इसके साथ जाएगा अब दूसरा दिया वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मे बी यू आर नॉट नोइंग बट वर्ल्ड रिफ्यूजी डे तो मैंने पढ़ाया था ठीक है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है ट्वेंटी जून को तो अब देखिए क्या बन रहा है यानी अगर मैं ध्यान से देखें तो फर्स्ट का ए बन रहा है और थर्ड का क्या बन रहा है बी अब आप ये देख लीजिए कि अगर आपको दो आते हैं तो क्या ये दो ऑप्शन कहीं दिए हुए हैं फर्स्ट का ए दो जगह पे है है ना तो आप कंफ्यूज हो गए कि कैसे देखना फर्स्ट का ए दो जगह पे है यानी ये दोनों सही हो सकते हैं फिर आपने देखा थर्ड का तो बी जाएगा तो थर्ड का बी तो सिर्फ सेकंड वाले में आ रहा है यानी हमारा सही आंसर ये होगा सेकेंड वाला नहीं भी पता है तब भी अगर हमें दो क्लियर हैं तो हम उस आंसर को कर सकते हैं अब इसके साथ हमारा आंसर ये हो गया एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व है ना देर एंड देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये हमारे क्लास लास्ट क्वेश्चन था इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटीज जा डाली जाएंगी तो मंडे को आपको हमेशा एक क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से हाइयर लेवल के होंगे देन द डेली करंट अफेयर्स जो भी आपको मिल रहे हैं सो दैट यू कैन प्रिपेयर बेटर प्रिपेयर इन द बेस्ट वे एंड कम इन द हाइस्ट मेरिट इन योर पेपर्स ओके सो विद दिस वी एंड द सेशन ऑफ करंट अफेयर्स टूडे टिल दैट टाइम प्लीज़ स्टे ट्यून करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए क्वेश्चन जो भी हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं हम आपसे उस क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि आप उसमें वीक हो या आपको लगता है कि वो टच करना चाहिए टिल दैट टाइम जय हिंद जय भारत